अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एक्स, एक्स का रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएजेंट के साथ हम कर रहे हैं, फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एथाइल अमाइन व्हिच इज अ प्राइमरी अमाइन प्लस सैलिक एसिड। क्या आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो एक्स है इसका मॉलिक्यूलर मास एम है, तो आपको वैल्यू बतानी है 150 माइनस एम की। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्स आपको बताना पड़ेगा। अब इसके लिए हिंट आपको कहाँ से मिलेगा, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको क्या मिला, प्राइमरी अमाइन प्लस थैलिक एसिड। तो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए दो फेमस रिएक्शंस है, एक तो हो गया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में अमाइड अपने पास सबस्ट्रेट होता है, और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में थैलामाइड यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। थैलामाइड के रिएक्शन हम कुछ करवाते हैं, फाइनली आपको प्राइमरी अमाइन मिलता है, लेकिन प्राइमरी अमाइन के साथ साथ थैलिक एसिड भी मॉलिक्यूल आपको मिलता है। तो ये तो पता चल गया कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से ये रिएक्शन हुआ है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट अपने पास है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सबस्ट्रेट होता है अपने पास थैलामाइड। सबसे पहले तो आप देखो कि बेंजीन के ऊपर दो सी डबल एच आप लगा देते हो अगर ऑर्थो पे, तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। लेट अस से कि थैलिक एसिड को आपने हीट कर दिया एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, थैलिक एनहाइड्राइड। और ऑक्सीजन कोट आगे यहाँ पे नाइट्रोजन अगर लगा देते हैं तो उसको क्या बोल लेंगे, थैलेमाइड, अमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन आप करवाते हो बेसिक मीडियम में, तो बेस विल रिमूव एसिडिक प्रोटॉन, उससे क्या होगा, थैलेमाइड में नाइट्रोजन आइटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो सेकेंड एक बेसिकली आप एल्काइल हैलाइड से आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो नाइट्रोजन आइटम पे जो नेगेटिव चार्ज है दिस विल अटैक, नॉर्मल एसन टू रिएक्शन होता है, लीविंग ग्रुप विल लीव। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल गया, नाइट्रोजन पे सी एच टू सी एच थ्री। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन आपको मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे टू टाइम्स, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा दोनों तरीके से, तो वापस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज व्हाट, थैलिक एसिड, ये तो मिलेगा ही सही, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक प्राइमरी अमाइन विच इज व्हाट, एथाइल अमाइन। तो इस क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखा है उसका कंप्लीट मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इस मैकेनिज्म से आपने पता कर लिया कि जो सब्सट्रेट एक्स था वो क्या था, थैलामाइड। अब इस थैलामाइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है, उसमें से 150 माइनस करो, आंसर कितना आ सकता है, 150 माइनस एन। तो देख लेते हैं इसमें टोटल कार्बन कितना है, 12 इंटू 8 96 प्लस 1 नाइट्रोजन, ये हो गया 110 प्लस 2 ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 142 प्लस 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आइटम 147। तो 150 माइनस 147 3 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें सबस्ट्रेट अपने पास क्या होता है, गैब्रियल थैलामाइड, और टोटल 3 रिएजेंट से आपको रिएक्शन करनी होती है, तब जाके फाइनली आपको वापस से थैलिक एसिड मिलता है और साथ ही साथ प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिएक्शन XeF4 प्लस SbF5, और इससे अपने पास क्या बनता है, ए इफ एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल स्मॉलर बॉन्ड एंगल्स इन एनायनिक पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 2। तो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। SbF5, SbCl5 हो गया, SbF5 हो गया, इसके बारे में आपको पता है कि बहुत ही अच्छा लुईस एसिड है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो आप बेसिकली इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हो। रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बना पाओगे ना, तभी इस क्वेश्चन में आगे आप आंसर कर सकते हो। XeF4 प्लस SbF5, दिस इज अ वेरी वेरी गुड लुईस एसिड। क्या करेगा, एक फ्लोरीन माइनस को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो SbF6 माइनस बन जाएगा, XeF3 पॉजिटिव बनेगा। तो ये तो हो गया कैटाइन, ये हो गया एनाइन। इस एनाइनिक पार्ट में आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल स्मॉलर बैंड एंगल्स अगर आप एक्स मानते हो तो एक्स बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो Sb किसका भाई है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसका भाई है, नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तो बन गए, और 6 बॉन्ड भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्योंकि टोटल फ्लोरीन अपने पास 6 है, इसीलिए Sb के ऊपर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा ताकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास होंगे तो फ्लोरीन एटम के साथ 6 टाइम बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली 6 बॉन्ड यहाँ पे अपने पास हैं, और Sb के पास कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे अपने पास देख लो दो टाइप के बॉन्ड है, 180 डिग्री का एंगल है,
और 90 डिग्री का एंगल है। स्मॉलर बॉन्ड एंगल अपने पास 90 का होगा, 90 के अपने पास कितना एंगल हो सकते हैं, तो 90 के एंगल कितने होंगे, प्लेन में कितने एंगल होंगे बेटा, चार तो 90 के प्लेन में होंगे, प्लस ये जो ऊपर का पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ टोटल कितने फोर एंगल बनेंगे 90 के। सिमिलरली इस बेस का नीचे के पिरामिड के साथ एंगल बनेंगे फोर, वो भी कितने के बनेंगे 90 डिग्री के। तो टोटल 12 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री और 180 के अपने पास टोटल तीन एंगल होते हैं, देख लेना एक बार। 90 के 12 एंगल हैं तो x की वैल्यू होगी अपने पास 12, x बाई टू कितना हो जाएगा 12/2 विच इज 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसान तो केवल तब है जब आप XeF4 + SbF5 इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बना पाओ, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के बाद तो कैटायन एनायन आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है और बॉन्ड एंगल बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है कि sp3d2 या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में टोटल 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं, 12/2 आंसर आपको रिपोर्ट करना है 6। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 ऑन 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको रिप्लेस करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। सिग्मा मतलब हो गया अपने पास स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक फैक्टर होता है 0.35। क्लोरीन एटम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है जिसका सिग्मा 0.35 लगता है। तो आउटर मोस्ट शेल के जो s और p सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट में कितना फैक्टर आता है 0.35। तो क्लोरीन का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया, थर्ड में इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास टोटल 7। s और p दोनों के, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है s और p दोनों के, उन सब के लिए पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की जो वैल्यू आती है वो 0.35 आती है। तो एक किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन, 3p5 होता है ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। तो 0.35 कंट्रीब्यूट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 6। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन आयनिक सॉलिड R प्लस एंड R नेगेटिव R 1.6 एंड 1.864, यूज द रेडियस रेशियो रूल टू डिटरमाइन H लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। पहले ही आपको बता दिया कि कैटायन और एनायन से जो यूनिट सेल बनना है वो क्यूबिक यूनिट सेल बनना है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में अपने पास क्या क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उसके बाद फिर आपको ये भी बताना होगा कि जो भी क्यूबिक यूनिट सेल बना उसकी एज लेंथ क्या होगी। तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके लिए आपको कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो रूल यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव का रेशियो आप निकाल लो। ये साफ साफ दिख रहा है बेटा कि 1.6 डिवाइडेड बाई 1.8, ये पक्की बात है कि ये जो रेशियो है ना ये 0.732 से तो ज़्यादा आ रहा है, 0.732 से ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कैटायन क्यूबिकल वॉइड में है, और क्यूबिकल वॉइड कहाँ पे होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर पे तो अपने पास एनायन प्रेजेंट होंगे, और जो बीच में क्यूबिकल वॉइड होगा जो कि बहुत ही बड़ा वॉइड होता है, उस वॉइड में अपने पास कौन प्रेजेंट होगा, कैटायन, एक तरीके से CSCl, सीजियम क्लोराइड की जैसे स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर का अंदाजा आपको लग गया। अब R पॉजिटिव R नेगेटिव का रिलेशनशिप क्यूबिक यूनिट सेल की एच लेंथ के साथ बहुत ईजिली आ सकता है, क्या प्रेजेंट होगा कैटायन क्यूबिकल वॉइड में। तो यहां कहीं पर कैटायन होगा, एनाइन है, ये एनाइन है, सारे के सारे जो कैटाइन और एनाइन है इनका कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है कैटाइन का वो बेसिकली अपना क्यूबिकल वॉइड में एकदम मैक्सिमम रेडियस से भी ज़्यादा आ जा रहा है। तो ये जो कैटाइन है एनाइंस के साथ कांटेक्ट में तो होगा ही सही। अलॉन्ग बॉडी डायगनल अगर आप देखें तो बॉडी डायगनल में कॉर्नर पर जो एटम्स है वो तो क्यूबिकल यूनिट सेल को बनाने वाले एनाइंस है,
और यहाँ पे जो क्यूबिकल वॉइड आ रहा है इसमें कौन प्रेजेंट है, कैटायन। तो ये कितना हो जाएगा, आर नेगेटिव प्लस आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव विच इज इक्वल टू रूट थ्री ए। तो कर लो ये 1.6 प्लस 1.864 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है अपने पास, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री ए। तो कितना हो गया ये 6443 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट थ्री विच इज इक्वल टू ए, ये 2 टाइम्स, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसके क्यूबिकल वॉइड में कैटायन प्रेजेंट है, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ आ जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 5 4 एंगस्ट्रॉम इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप देखिए एक सबस्ट्रेट है ए, गैशियस फॉर्म में है, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और मास नंबर है एम। इससे आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है प्लस हम अल्फा पार्टिकल। बी अपने पास गैस है, अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोलते ही हैं। अल्फा पार्टिकल आ रहा हीलियम न्यूक्लियाई, सो विल फॉर्म हीलियम गैस बाय ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल भी हीलियम गैस ही बन गया। द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इतना भी सही है। स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ ए इन अ 16.4 लीटर क्लोज्ड फ्लास्क एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो बेसिकली 2 हाफ लाइफ के बाद ए थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तो ए का अमाउंट कम होगा, बी का ज़्यादा होगा, और अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं जो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। फाइनली इस कंटेनर का वॉल्यूम आपको दे रखा है 16.4 लीटर 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको ये बताना है कि कितना अपने पास गैस का वॉल्यूम हो सकता है। तो गैस में अपने पास कौन होगा, ए होगा, बी होगा और अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम गैस होगा। इन तीनों गैसेस के मोल आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे 2 हाफ लाइफ के बाद। तो ये भी कुछ ईजी सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ के बाद ए कितना बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए गैस इससे क्या बन गया, बी गैस प्लस हीलियम 2-4, तो ये जेड माइनस 4 कर रखा है। तो अल्फा पार्टिकल की वजह से 2 एटॉमिक मास में कमी होती है, टोटल 4 एटॉमिक मास में कमी है, तो 2 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं। सॉरी, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होता है, तो एटॉमिक नंबर में 4 का कमी करने के लिए टोटल 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे। मास में कमी कितना होता है 4 का, तो 2 टाइम्स 8 का रिडक्शन हो जाएगा। अब ये बैलेंस है अपने पास, ये आपको कितना दे रखा है 1 मोल। पहली हाफ लाइफ में कितना मोल रिएक्ट करेगा, हाफ, और अगली हाफ लाइफ में उसका भी हाफ रिएक्ट करेगा। तो पहली हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा 0.5, और अगली हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा 0.25। तो 1 में से 0.75 मोल रिएक्ट कर चुका है, 1 से कितना बनता है 1, तो ये बन जाएगा 0.75, और 1 से कितना बनता है 2, तो 0.75 से ये कितना बन जाएगा 1.5, डबल। ए गैस है, बी गैस है, और अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के बाद हीलियम गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा, मतलब वो भी गैस है। तो 0.25, 0.75 कितना हो जाएगा 1.0, 1.5, टोटल 2.5 मोल ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी विच इज इक्वल टू पी इंटू वी। तो वॉल्यूम आपके पास है, आर की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है, आपको केवल इतना चेक करना है कि 2 हाफ लाइफ के बाद इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट होगा विच इज पी। पी यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट करना, पी अपने पास आएगा 5 ATM। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर यूज्ड फॉर असाइलेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अल्कोहल के असाइलेशन के लिए कौन सा कंपाउंड आप यूज करते हो, तो सबसे पहले अल्कोहल के असाइलेशन का आप सिंपल सा एक रिएक्शन देखो। अल्कोहल का असाइलेशन, अल्कोहल असाइलेशन करना है तो O के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3 आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान है कि आप अल्कोहल की रिएक्शन असाइल ग्रुप से करवाओ जिसमें कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। एसिडिक मीडियम रखो, रिएक्शन फास्ट होगा, SN2DH होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। यहां से प्रोटॉन लॉस होगा बेसिक। तो ये लो, अल्कोहल का असाइलेशन हो गया। अल्कोहल का असाइलेशन करने के लिए आपको ये समझ में आ गया कि असाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और असाइल ग्रुप के ऊपर क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप। इसका मतलब ये कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव।
तो साफ साफ आपको पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से अगर आप रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल का, तो अल्कोहल का असाइलेशन हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाने पे अल्कोहल का असाइलेशन हो सकता है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाने पे नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, और अगर आप इसे हीट करते हो तो एस्टर बनता ही तो है, और एस्टर बनता है मतलब कि अल्कोहल का असाइलेशन हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दोनों को यूज कर सकते हैं अल्कोहल के असाइलेशन के लिए। एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का भी दिखा देते हैं आपको, और एकदम इजी सा मैकेनिज्म मैंने आपको दिखा रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, OH होता है। तो आप इस OH को गुड लीविंग ग्रुप OH2+ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एसिडिक मीडियम लगा दो, और ये केवल एक ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं। ये लो गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अब आपके न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SN2TH रिएक्शन हो जाएगा, फाइनली यहाँ से प्रोटॉन लॉस। ये लो अल्कोहल का असाइलेशन हो गया। तो अल्कोहल के असाइलेशन के लिए आपको बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लो, फर्स्ट आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड दे रखा है एसिटिल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, थर्ड आपको दे रखा है एल्डिहाइड, फोर्थ आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव विच इज एनहाइड्राइड, तो उससे भी असाइलेशन होगा। फिफ्थ आपको दे रखा है अल्कोहल, सिक्स्थ आपको दे रखा है अल्काइन, और सेवन्थ आपको दे रखा है ईथर, सेवन्थ आपको दे रखा है ईथर। तो ईथर हो अल्काइल अल्काइन हो या अल्कोहल हो, इनसे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। असाइलेशन करवाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जैसा कि एसिटिल हैलाइड हो गया या एसिटिल एनहाइड्राइड हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपको लगेंगी। तो टोटल 3 अपने पास मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाएंगे तो अल्कोहल का एसिटाइलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जो मेन पेपर है ना उसमें रिप्लेस करवाया जा चुका है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी रिपीटेड है। फर्स्ट पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको सॉल्व करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन पे Cl2 का एडिशन आपको करवाना है। 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है, Cl2 का एडिशन करवाना है। तो Cl2 के एडिशन से आपको 1,2 एडिशन के प्रोडक्ट भी मिलेंगे और 1,4 एडिशन के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट दे रखा है, यहां से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल Cl+Cl-। तो ये तो हो जाएगा 1,2 एडिशन का प्रोडक्ट कि पाई बॉन्ड के फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इसको बोल दिया A, और B+C भी आपको दे रखा है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से बन सकता है, मैकेनिज्म फॉलो करना बनाना। तो ये जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट अपने पास है इसको क्या बोल दिया, B+C, दो प्रोडक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट पे रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। रिएक्शन आगे कैसे बढ़ाया, वापस से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हैलोजन से आपने रिएक्शन किया है, तो हैलोजन का वापस से पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, Cl+ लग जाएगा और Cl- लग जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको मिला। अब काउंट करना है कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये बेसिकली कितना है। तो सिंपल है कि इसके स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है। दिस इज 1 काइरल कार्बन, दिस इज अनदर काइरल कार्बन, फॉर 2 काइरल कार्बन मैक्सिमम आंसर इज 4, बट हियर आंसर विल बी व्हाट, 3, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप देख लो कि 2^2, 4 से तो आंसर कम ही आएगा बेटा। तो आंसर कितना आता है, 3। आप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी बता सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड काइरल पे, काइरल कार्बन पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, RR हो सकता है, SS हो सकता है, RS हो सकता है, SR हो सकता है, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें से RS और SR सिमिलर होगा, तो टोटल इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3। ये पेपर 1 में भी हमने डिस्कस कर लिया है और इस पेपर में वापस से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ,
हाउ मेनी मैक्सिमम एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन टेंथ पीरियड ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो अगर मान लीजिए कि अपने पास जो प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर कोई टेंथ पीरियड आता है तो टेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास जो पीरियोडिक टेबल है आप उसको थोड़ा सा नोटिस करो कि उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसी ट्रेंड को आप आगे कंटिन्यू करोगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि टेंथ पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। ट्रेंड आप देखना, पहले पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम है, और हाइड्रोजन हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, 1s1 और 1s2। एक s ऑर्बिटल आप बन रहे हो, पहली शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज़ 1s, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर एक एक करके फिल करें तो मैक्सिमम 2 एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो दे सकता है। 1s1 हाइड्रोजन का देगा, 1s2 किसका देगा, हीलियम का। तो इसमें आपने किसको फिल किया है, एस को। इसके बाद अपने पास क्या आता है बेटा, सेकेंड पीरियड आता है। सेकेंड पीरियड में अपने पास कहाँ से चलता है, लिथियम से लेकर नियॉन तक चलता है, ठीक है। तो लिथियम से लेकर नियॉन तक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2 से क्या हो गया, फिर आगे 2s1 से लेकर 2p6, तो 2s2 और 2p6 टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। 2s और 2p को हम यहाँ पर फिल करते हैं। तो सेकेंड शेल या सेकेंड पीरियड में सेकेंड शेल को फिल करते हैं, और सेकेंड शेल में किसको फिल करते हैं, एस और पी को। अगली बार आप वापस से देखो, सेम चलता है बेटा, सोडियम से लेके ऑर्गन तक जाता है, 11 से लेके 18 तक जाता है, टोटल 8 एलिमेंट फिल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 से लेके 3p6 तक। तो अगेन थर्ड पीरियड है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल थर्ड है, और थर्ड शेल में आपने किसको भरा है, एस और पी को भरा है। अगले में आ जाओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम से स्टार्ट होता है, बीच में डी ब्लॉक आता है पूरा का पूरा, फिर वापस से पी ब्लॉक आता है, तो 6 + 10 + 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किए जाते हैं। एक एक करके फिल करेंगे तो 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये बता सकता है, और अभी तक 18 + 18 टोटल 36 एलिमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप किसको भरते हो, ये फोर्थ पीरियड है ना बेटा, तो 4s को भरते हो, 4p को भरते हो, और मिडिल में किसको भरते हो, 3d को, तो spd को भरते हैं। वापस से आप देखना spd को भरोगे, फिर आप देखना spdf को भरोगे, फिर spdf को भरोगे। तो यहाँ से अभी तक आपको ट्रेंड तो नोटिस हो गया है कि ट्रेंड क्या है, कि पहले पीरियड का अगर एलिमेंट है ना तो उसमें केवल s सबशेल को भरा जाता है, और सेकंड थर्ड में sp को भरा जाता है, फोर्थ फिफ्थ में spd को भरा जाता है, सिक्स और सेवन्थ में spdf को भरा जाता है। हमेशा 2-2 में एक पर्टिकुलर सबशेल का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे बहुत आसानी से आ सकता है। जिस पीरियड में एटम आ रहा है तो उस पीरियड में बेसिकली जो भी पीरियड नंबर है वही बेसिकली अपने पास क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और आउटर मोस्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आप किसको दोगे, एस और पी को। डी को क्या दोगे बेटा, एक कम दोगे, और अगर F आता है तो F को एक और कम दोगे, G आता है तो G को एक और कम दोगे, H आता है तो उसको एक और कम दोगे। हमेशा S कहाँ होगा, इधर, P कहाँ होगा, इधर, और D कहाँ आएगा, मिडिल में। अगर फिफ्थ में चले तो फिफ्थ में भी spd को ही बढ़ते हैं, तो 5s होगा, 5p होगा, 4d होगा। सिक्स में अगर चले तो सिक्स में किसको भरेंगे, spdf को, तो 6s हो जाएगा, 6p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 4f हो जाएगा। आप इस तरीके से चाहें तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली फिल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी सबशेल के बाद कौन सी सबशेल आती है ये आपको कभी याद कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेंड याद रखना, फर्स्ट में किसको फिल करना है, इसको, फिर किसको, एसपी, एसपी, एसपीडी, एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। तो 8th और 9th में किसको फिल करेंगे, एसपीडीएफजी, एसपीडीएफजी, और 10th में किसको फिल करेंगे, एसपीडीएफजीएच। 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, 11 ऑर्बिटल। हाँ, तो यहाँ तक अपने पास कितने हो गए, 36 ऑर्बिटल हो गए। 36 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 72। एक एक करके फिल करेंगे तो टोटल 72 डिफरेंट एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो यहाँ पे 10th पीरियड की अगर बात करें प्रेजेंट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो उसमें टोटल 72 इलेक्ट्रॉन्स या 72 एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने, मतलब कि जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड हो, ताकि वीक फील्ड लिगेंड कभी भी डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ना करवाए,
और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसको हाई स्पिन बोलेंगे। यहाँ पे लो स्पिन फाइंड आउट करना है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ताकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाए। पेयरिंग करवाने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो लो स्पिन आपको बोलना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये साफ साफ दिख रहा है बेटा, कॉबल्ट 3 प्लस है तो 18 प्लस 4s2 3d7 होता है, तो ये 3d6 हो गया, 4s0 4p0 4d0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉबल्ट 3 प्लस का। 3d6 3d4 से लेके 3d7 अगर ये अपने पास किसी सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड से फिल करोगे तो अलग टाइप से फिल होगा, और वीक फील्ड से फिल करोगे तो अलग टाइप से फिल होगा। तो केवल 3d4 से लेकर 3d7 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SFL और WFL में डिफरेंट टाइप से फिल होता है। तो यहीं पे हाई स्पिन और लो स्पिन का कंसेप्ट आता है। SFL से फिल करोगे, पेयरिंग करवाओगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, लो स्पिन। WFL से फिल करेंगे, पेयरिंग नहीं करवाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाई स्पिन। लेकिन यहां पे लो स्पिन हाई स्पिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि 3d0 से लेके 3d3 तक या 3d8 से लेके 3d10 तक आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, डी जनरेट डी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो चाहे SFL से फिल करो चाहे WFL से फिल करो, दोनों जगह से एक ही टाइप से फिल होगा। तो बेसिकली आप किसी भी सिचुएशन को लो स्पिन या हाई स्पिन बोल नहीं पाओगे, कम से कम दो सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए तब जाके एक सिचुएशन को अगर लो स्पिन बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। लो स्पिन कब बोल सकते हैं, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो। हाई स्पिन कब बोल सकते हैं, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो ये जो दो डिफरेंट सिचुएशन है ये केवल कहाँ पर क्रिएट होती है, D4 से लेकर D7 में। यहाँ पर SFL WFL सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा, यहाँ पर SFL WFL सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो फिलहाल तो ये सीधा ही आंसर आ गया कि 3d6 है और SFL है, तो SFL पेयरिंग करवाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन बोलेंगे। सेकंड आ जाओ, CuF6 3- एकदम सेम है, कॉबल 3 प्लस है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, हाई स्पिन आएगा। FeCn6 Fe2+ वही 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, लो स्पिन आएगा। Fe H2O 6+ Fe H2O 6+ अगेन ये क्या है, 3d6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये क्या आएगा, हाई स्पिन आएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद आपके पास एक क्रोमियम का दे रखा है, कॉबल्ट का दे रखा है, क्रोमियम GLY ऑल थ्राइस 0 और एक कॉबल्ट Br2Cl2 2-। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3, और 3d3 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके से फिल करो चाहे वीक फील्ड की तरीके से फिल करो, एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो उसको आप हाई स्पिन या लो स्पिन में आइडेंटिफाई नहीं करते हो। यहाँ पे क्या है, कॉबल 2+, तो कॉबल 2+ क्या बनेगा बेटा, 3d7 बनेगा, 4s0 4b0 4d0, और कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना है, 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना ही आना है ना, 3d7 में हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp3 आएगा। तो टोटल अपने पास लो स्पिन वाले कितने हो गए, एक तो ns3 वाला हो गया, एक cn वाला हो गया, लो स्पिन वाला एक तो ये है, एक ये है, और बाकी ये हाई स्पिन, ये हाई स्पिन, उसमें हाई स्पिन लो स्पिन हम करेंगे नहीं। और लास्ट वाले में भी देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका जो डी सबशेल का स्प्लिटिंग है वो कुछ इस तरीके से होता है, 7 आपको फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वीक फील्ड की तरीके से फिल किया तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड से फिल कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें भी अपने पास थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दोनों कॉन्फिगरेशन एक ही के जैसा होगा, तो आप इनमें से किसी एक को वीक, किसी एक को लो स्पिन या किसी एक को हाई स्पिन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हाई स्पिन लो स्पिन नहीं है, यहाँ पे भी हाई स्पिन लो स्पिन नहीं है, बाकी चार में हाई स्पिन और लो स्पिन है, जिसमें से दो अपने पास लो स्पिन है और दो हाई स्पिन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी यूनिट द प्रेशर गॉज रीड्स 4500 mmHg फॉर 10 लीटर टैंक कंटेनिंग कंप्रेस्ड O2। तो बेसिकली ऑक्सीजन गैस का एक सिलेंडर अपने पास है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 10 लीटर और इसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है उसका टोटल प्रेशर है 4500 mmHg। अब आगे क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम द टैंक एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ 750 mmHg। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन गैस का बड़ा सिलेंडर है इससे अपन कितना ऑक्सीजन गैस डिलीवर कर सकते हैं और जहां पर भी डिलीवर कर रहे हैं वहां पर प्रेशर अपने पास कितना है 750 mmHg। तो एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक बिगर टैंक है और बिगर टैंक से आपको ऑक्सीजन गैस निकालना है, ऑक्सीजन गैस निकाल के आपको जहां पे भी भरना है ना वहां बेसिकली अपने पास एटमोस्फियरिक प्रेशर है 750 mmHg, 4500 mmHg, 10 लीटर का सिलेंडर है, टेम्परेचर कांस्टेंट आपको दे रखा है, कहीं पे भी आपको भरना है और 750 mmHg यहां पे प्रेशर है। हाउ मेनी लीटर्स, तो कितने लीटर आप यहां से निकाल सकते हो, कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन गैस को फिल करोगे इस बड़े कंटेनर पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अपने पास 750 mmHg है, तो कितना यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आ सकता है, कितना लीटर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हम ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अपने पास क्या रहेगा, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे बिगर सिलेंडर में जितने भी ऑक्सीजन गैस के मोल है सारे के सारे ऑक्सीजन गैस को मोल को यहाँ से निकाल के इधर ला सकते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा। जब यहाँ से आप ऑक्सीजन को इधर लाओगे तो पक्की बात है कि इधर हाई प्रेशर होना चाहिए, इधर लो प्रेशर होना चाहिए। तो जब इस पर्टिकुलर सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, जब इस पर्टिकुलर सिलेंडर में प्रेशर 750 mmHg हो जाएगा, फिर इस सिलेंडर से अपन इस सिलेंडर में या स्मॉलर सिलेंडर्स के अंदर O2 गैस का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट को ध्यान में रखना होगा तभी आपका आंसर सही आएगा। तो देखना यहां से आप कितना ऑक्सीजन निकाल सकते हो, हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी रिमूव्ड, सारी तो नहीं निकाल सकते, केवल कितना निकाल सकते हैं जब तक कि यहां पे प्रेशर कितना ड्रॉप नहीं कर जाता 750 mmHg तक। तो कितना ऑक्सीजन निकाल सकते हैं उसके मोल निकाल लेते हैं, तो मोल ऑफ O2 रिमूव्ड ये कितना हो सकता है, एन टोटल माइनस एन लेफ्ट, कितना O2 आप निकाल सकते हो, PV/RT माइनस PV/RT। शुरुआत में आपके पास टोटल मोल कितने होंगे, ज्यादा होंगे क्योंकि प्रेशर 4500 है, इतने मोल अपने पास दे रखे, कितने मोल इसमें बच जाएंगे बेटा, तो बचेंगे किसकी वजह से, जब 750 mmHg प्रेशर आ जाएगा तो उस समय फिर यहां से ऑक्सीजन गैस निकलना बंद हो जाएगा, वॉल्यूम 10 लीटर ही होगा अभी भी सिलेंडर का। तो 4500 माइनस 75 ये कितना हो जाएगा 500, तो ये कितना हो गया 3750 इंटू 10/RT, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 रिमूव्ड। तो इस बिगर सिलेंडर में से ऑक्सीजन गैस के इतने मोल आप निकाल सकते हैं। अब ये जो सारे मोल अपन निकाल रहे हैं ना, इसको किसी स्मॉलर सिलेंडर में या किसी भी और जगह पे आप फिल कर रहे हो जहां पर अपने पास एटमोस्फियरिक प्रेशर कितना 750 mmHg, तो वहां पे जाके ये जो ऑक्सीजन गैस आपने यहाँ से निकाला है, ऑक्सीजन गैस का जितना भी मोल आपने निकाला है उसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो PV/NRT से आप उसका क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, प्रेशर कितना होगा 750 mmHg, वॉल्यूम आपको लीटर में मिलेगा, मोल आपने कितना निकाले 3750 × 10/RT × टेम्परेचर आपके पास कितना है RT, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7 × 5 5 times हो जाएगा, तो वी अपने पास लीटर्स में कितना आ जाएगा 50 लीटर, 5 × 10 50 लीटर।
तो ये जो बिगर टैंक है अपने पास, बिगर टैंक केवल 10 लीटर का है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो 4500 mmHg है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बहुत सारा है। अब यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकाल के कुछ बाहर पटकना है, जहाँ पर अपने पास प्रेशर कितना है 750 mmHg। तो बेसिकली यहाँ से कितना ऑक्सीजन गैस निकाला जा सकता है, पहले तो आप उसके मोल निकालो। तो कितने मोल हम निकाल सकते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट। अब जितने भी मोल आपने निकाले हैं ना, उस ऑक्सीजन गैस का क्या करना है, 750 mmHg पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा, 50 लीटर। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास में कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड फ्रीजिंग टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ अ लिक्विड इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सॉलिड और लिक्विड किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो भी होता है उसके लिए वेपर प्रेशर का दो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो सब्सटेंस है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन पे आपको जाना पड़ेगा। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आप बेसिकली किसको बोलते हो इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। तो किसको बोलते हैं, जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। सोचो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, इसका मतलब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। लिक्विड इज सॉलिड एंड सॉलिड इज लिक्विड। तो जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, जब दोनों के फेज चेंज में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, उसी टेम्परेचर को तो आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में बेसिकली क्या होगा, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। तो सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों के वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो आपको दे रखा है। दोनों का वेपर प्रेशर इक्वलाइज कर दोगे तो जो टेम्परेचर अपने पास आएगा दैट टेम्परेचर विल बी आइदर मेल्टिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो देखो आप, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो आपको दे रखा है LnPs इज इक्वल टू 10-3000 केल्विन में है वो, और T और LnPl सॉलिड और लिक्विड, और P मतलब प्रेशर। तो Ln की टर्म में आपने ये इक्वेशन बना रखी है, ये कितना है 5-2000 डिवाइडेड बाई T। सही कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत कर रखा है ये। तो दोनों का अगर प्रेशर सेम होगा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का, तो दोनों के Ln वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। तो 10-3000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 5-2000 डिवाइडेड बाई टी, ये हो गया 2, ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टी विच इज 1000 डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 2। तो टी इज इक्वल टू 500 केल्विन। तो एक ऐसा टेम्परेचर है 500 केल्विन जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म दोनों सेम हो जाएंगे, और जब ऐसा टेम्परेचर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजीली सॉल्व हो गया, 200 केल्विन इसका आंसर आएगा ना, 10-5 होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 5 200 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन इज और आर। तो बेसिकली चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है। बेसिक स्ट्रेंथ, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एच प्लस। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपको डोनेट करना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है, GOC 2 में बेसिक स्ट्रेंथ के बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। पहले में आपके पास क्या है, पाइरिडीन है, एनालीन है, और CO NH2 है। डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, और यहां पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर जो होता है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर इज इजीली डोनेटेड टू H+, देयरफॉर हायर बेसिक स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड में जो ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा वो लेस बेसिक होगा। तो बेटा आपको देखने में तो क्या लगेगा कि ये जो लोन पेयर है बेंजीन के 3-3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जब रेजोनेंस कर रहा है तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, कार्बन पे कार्बन पे कार्बन पे, और यहाँ पे जब लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा रेजोनेंस कर रहा है, क्वालिटी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी। तो क्वालिटी रेजोनेंस का मतलब ही होता है मोर डीलोकलाइज्ड। ये मोर डीलोकलाइज्ड है तो लेस बेसिक होगा, तो सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक आएगा। फर्स्ट करेक्ट आपको दे रखा है।
सेकंड में आपके पास क्या है, एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, वन नाइट्रोजन एटम, साइक्लोहेक्सेन के रिंग के ऊपर NH2 लगा दिया और यहाँ पाइरिडीन है, तो लोकलाइज्ड लॉन पेयर, लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड। अब आप देखिए ये sp3 नाइट्रोजन है, ये sp3 नाइट्रोजन है, वो sp2 नाइट्रोजन है, sp2 नाइट्रोजन एटम इज लिटिल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी। तो पहला और दूसरा ज़्यादा बेसिक आएगा थर्ड में, पहले और दूसरे में ज़्यादा बेसिक कौन आएगा, ये अपने पास कौन सा अमाइन है प्राइमरी, ये अपने पास सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आती है प्राइमरी अमाइन से इन केस ऑफ एक्वस मीडियम या गैशियस मीडियम हो, तब भी सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा ही बेसिक होता है, बाद में प्राइमरी और टर्शियरी अमाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अपने पास एक्वस मीडियम में सेकेंडरी अमाइन ही सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, तो ये सेकेंडरी है वो प्राइमरी है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, बनाना पड़ेगा CH3CHNH डबल बॉन्ड, CH3CH2NH2 और NH3, लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड, लेकिन ये sp2 नाइट्रोजन है, ये sp3 नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका आना चाहिए, ये गलत दे रखा है। फोर्थ OH-NH2- F-, अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये अपने पास नेगेटिव आयन से ये पीरियड में है O-N-F-, तो पीरियड में अपने पास साइज़ का तो फंडा होता नहीं क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, देयरफॉर लेस बेसिक, तो F- सबसे कम बेसिक होगा, सही है, लेकिन O- और N- में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा, N-, तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात थी, क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हैं और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मीसो कंपाउंड, चार ऑप्शन दे रखे हैं। मीसो कंपाउंड का मतलब क्या है कि कोई भी अपने पास कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा काइरल कार्बन हो और उसके बावजूद भी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, केवल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो उसको मीसो नहीं बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उस पर काइरल कार्बन होने चाहिए, तब जाके आप उस फॉर्म को मीसो कंपाउंड या मीसो फॉर्म बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, ClCl HCS3 CS3H, इसके बारे में पूछा है कि मीसो है कि नहीं है, चलो तो देखो, अब इसमें दो काइरल कार्बन तो हैं और वेस्टेज प्रोजेक्शन में ही देख लेते हैं, Cl इस साइड, CS3 बाहर है तो CS3 अंदर है, H अंदर है तो H बाहर है, COS प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर, ऑप्टिकली इनएक्टिव काइरल कार्बन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव काइरल कार्बन है, मतलब मीसो। सेकंड Br, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, दो काइरल कार्बन है बेटा और H नीचे है, H ऊपर है, CS3 ऊपर है, CS3 नीचे है, Br अपने पास वेच पे है तो Br- पे, यहाँ पे भी COS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव विद काइरल कार्बन, ये भी मीसो है, फर्स्ट और सेकंड तो मीसो हैं। अब थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड इज एक्चुअली वेरी इजी, टू काइरल कार्बन और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है और काइरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये भी मीसो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टोटल थ्री फॉर्म्स आर मीसो फॉर्म्स। अब फोर्थ पे देखो आप, MeHBr, BrHme, हाँ ठीक है, एम ई मतलब CS3 है और जो कार्बन है अपने पास कार्बन चेन ये वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे नंबरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फिशर प्रोजेक्शन में आप देखोगे आपका आंसर सही आएगा,
दो काइरल कार्बन तो अपने पास है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को मीजो नहीं बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो गया 1, 2, 3। 1, 2, 3 फॉर्म्स आर सच फॉर्म्स विच आर कॉल्ड मीजो फॉर्म्स, एंड वट इज मीजो फॉर्म, अ फॉर्म विच कंटेन्स काइरल कार्बन बट इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्स आर करेक्ट अगेंस्ट टू देयर इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज। तो ये इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आ गया और ये बेसिकली पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इंडिकेटेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन सा जो ऑर्डर है वो आपको करेक्ट दे रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट में आपको दे रखा है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस और सल्फर के फ्लोराइड हमें दे रखे हैं। सल्फर का फ्लोराइड अपने पास SF4 है और SF6 है। SF4 और SF6, SF4 में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा ज्यादा? एकदम करेक्ट है बेटा, SF4 में सल्फर में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो वहां पे वाटर अटैक करके हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का अटैक करना, SN2 रिएक्शन होता बेसिकली। SF6 का तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इतना और बता देता हूँ, हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। वाई? बिकॉज SF6 में सल्फर के आसपास 6 क्लोरीन एटम है, स्टेरिकली क्राउडेड है सल्फर एटम। स्टेरिकली क्राउडेड है तो किस तरीके से बेटा अटैक कर पाएगा? इतना ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है SF6 कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे SN2 रिएक्शन से तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम आएगी, यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा आएगी। सेकंड, NF3 NCl3, इसमें क्या दे रखा है? रिएक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टिविटी, एक्वस मतलब वाटर, वाटर के साथ रिएक्टिविटी, अगेन हाइड्रोलिसिस की बात है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की रेट ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की रेट कम होगी, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट यहाँ तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे NF3 में हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर अटैक करेगा, वाटर को कोई एम्प्टी ऑर्बिटल लगेगा, ना तो फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ना क्लोरीन, ना ही नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। वैसे फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। वाटर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन के पास ना तो कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ना ही कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। NF3 का तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा, NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, और NCl3 में हाइड्रोलिसिस जब होगा तो वाटर नाइट्रोजन पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का अटैक करेगा क्लोरीन पे, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का एटम है, थर्ड पीरियड के एटम में 3D सबशेल एम्प्टी होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। थर्ड पे आ जाते हैं, BiF5 और BiCl5 स्टेबिलिटी। तो ये paper 1 में भी आपको बता रखा है, Bi ये नाइट्रोजन का भाई है और ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में प्रेजेंट है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ पॉसिबल होती है? F- के साथ। किसके साथ पॉसिबल नहीं होती है? I- के साथ। और F- और Cl- अगर आपको दे रखा है तो दोनों के साथ पॉसिबल तो है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका आएगा? तो जितना ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना साइड आइटम में, उतना ही ज़्यादा इसका स्टेबिलिटी आएगा। क्यों? क्योंकि F- यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, मतलब कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी उसकी क्या होगी? कम होगी। रिड्यूसिंग टेंडेंसी अगर कम होगी तो वो फिर Bi5+ को कोई भी इलेक्ट्रॉन देके Bi3+ में चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। F- के कंपैरिजन में Cl- की रिड्यूसिंग टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा ही तो है। तो Cl- मान लो कि इम्प्रॉबेबल है, लेकिन मान लो कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगी कि Cl- अपने इलेक्ट्रॉन दे के Bi5+ को रिड्यूस कर दे Bi3+ में और क्या बना दे BiCl3। लेकिन दोनों के केस में ऐसा नहीं होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी आएगी? BiF5 की। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के साथ ही जो सेंट्रल एटम है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और स्टेबिलिटी भी किसका ज़्यादा आएगा? BiF5 का इन कंपैरिजन टू BiCl5। थर्ड भी सही दे रखा है बेटा। और फोर्थ आप देखो, अब ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, PbAO2SnO2, और इसमें क्या दे रखा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो कार्बन सिलिकन
जर्मेनियम एसएन पीबी, नीचे जाने पर हायर ऑक्सीडेशन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती, कम, तो ये लेस स्टेबल है। पीबी फोर प्लस इज लेस स्टेबल एंड एसएन फोर प्लस इज मोर स्टेबल। पीबी फोर प्लस अगर स्टेबल कम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या होगा, खुद तो रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद जितना ज़्यादा रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो पी बी ओ टू का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल एब्सोल्यूटली ट्रू। पी बी ओ टू इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई, बिकॉज इन पी बी ओ टू पी बी फोर प्लस इज अनस्टेबल, तो पी बी फोर प्लस विल गेन टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पी बी टू प्लस, पी बी फोर प्लस विल रिड्यूस, देयर फोर इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इट विल हैव हायर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तो फोर्थ ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 16, रिगार्डिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। मेटलर्जी से फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और कॉन्सेंट्रेशन में ये आपने पढ़ा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल गलत है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, डी। फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड देखो, और पार्टिकल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड गैंग पार्टिकल्स आर हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल सही बात है। और पार्टिकल को जो अपना पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह जो होता है ना, वो उनको वेट करता है, जबकि गैंग पार्टिकल पानी में चले जाते हैं। क्रिसोल और एनलिन आर यूज एज फ्लोटिंग एजेंट, ये गलत है बेटा, पाइन ऑयल या कैम्फर ऑयल को हम यूज़ करते हैं। और कलेक्टर इज सोडियम इथाइल ज़ैंथेट, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही दे रखा है, 1 एंड 3 ऑप्शन आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लायोफोबिक सॉल्व, लायोफोबिक, तो लायोफोबिक सॉल्व अपने पास कितने हो जाएंगे, जितने भी स्पेशल मेथड से आप प्रिपेयर करते हो ना, सारे के सारे लायोफोबिक हैं, जैसे कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड से, कोलोइडल मिल्ट डिस्पर्शन से, पेप्टाइजेशन से, या केमिकल रिएक्शन से, सल्फाइड सॉल्व हो गया, मेटल सॉल्व हो गया, या और कौन सा हो गया, सल्फाइड सॉल्व, मेटल सॉल्व, हाइड्रोक्साइड सॉल्व, ये सारे के सारे अपने पास कैसे होंगे, लायोफोबिक सॉल्व। कैन बी कोगुलेटेड बाई डायलिसिस, बिल्कुल सही बात है, डायलिसिस करने से क्या होगा, इम्प्योरिटी निकलेगा, इम्प्योरिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही लायोफोबिक सॉल्व थोड़ा स्टेबल होता है, तो अगर सारा इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिया तो लायोफोबिक सॉल्व अनस्टेबल हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। सेकंड, कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बिल्कुल सही है, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो भी है, कैटाइन और एनाइन, डिपेंडिंग ऑन चार्ज ऑफ कोलोइड, चार्ज ऑफ कोलोइड अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव वाला उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज होंगे तो फिर वो कोलोइडल पार्टिकल स्टेबल नहीं होंगे, नीचे बॉटम में जाके वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट से तो जो लायोफोबिक सॉल्व है उनका कोगुलेशन किया ही जाता है, सबसे स्टैंडर्ड मेथड है वो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, विस्कोसिटी इज मच हायर देन डिस्पर्शन मीडियम, बिल्कुल गलत, डिस्पर्शन मीडियम के कंपेरिजन में लायोफोबिक सॉल्व का जो विस्कोसिटी है कंपेरेबल होता है, लायोफिलिक में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लायोफिलिक में जो भी अपने पास सॉल्व पार्टिकल है और जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल है उनके बीच में इंटरेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं, लायोफोबिक में कोई इंटरेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पेप्टाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, पेप्टाइजेशन एक स्पेशल मेथड है जिससे कि लायोफोबिक सॉल्व को प्रिपेयर किया जाता है, लायोफिलिक सॉल्व को प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। लायोफिलिक सॉल्व को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कि लायोफिलिक सॉल्व को प्रिपेयर करने के लिए जो भी अपने पास सॉलिड है उसको सीधा डिस्पर्शन मीडियम में मिक्स किया, स्टर कर दिया, स्टर करने से ही वहाँ पे कोलोइडल सॉल्व प्रिपेयर हो जाता है, बिकॉज इट इज़ लायोफिलिक, दैट इज़ वाई इट कैन बी प्रिपेयर दिस मच ईजिली, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपने पास लायोफिलिक सॉल्व के पार्टिकल हैं उनका डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो आपने जैसे स्टर किया दोनों के बीच में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, सॉल्व स्टेबल बन गया, उसके बाद वो कोगुलेट नहीं हो सकता। तो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 में वो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन टेम्परेचर मेंशन है, रिएक्शंस विच कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स अकर्स स्पॉन्टेनियसली। तो चार थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर आपको दे रखे हैं, आपको ये पता करना है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो सकती है। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको पता ही है कि डेल्टा जी का वैल्यू कितना होना चाहिए, नेगेटिव,
डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी वैल्यू शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूँ, इस रिएक्शन में या इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेट आपको दे रखा है मेंशन नहीं है। तो आप दोनों को कंसीडर करो कि नॉर्मल स्टेट की अगर बात है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है तब भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है नॉर्मली तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट ही दे रखा है तो स्टैंडर्ड स्टेट पर तो डेल्टा जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो डेल्टा जी नॉट ही आएगा, तो उस समय में फिर आपको डेल्टा जी नॉट ही नेगेटिव करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड स्टेट पर वो रिएक्शन फीजिबल है, और डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नॉर्मल स्टेट पे वो रिएक्शन फीजिबल है। यहाँ पर एज सच कोई स्टेट आपको मेंशन नहीं करके रखा है, तो आप दोनों को अज्यूम करो। टोटल चार पैरामीटर दे रखे हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, सारी जो चारों पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड स्टेट पे ही दे रखा है, तो ये तो आप हटा ही दो बेटा। स्टैंडर्ड स्टेट पे ही आपको डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एस नॉट दे रखा है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, तो उसी स्टेट पे बेसिकली आपको चेक करना है कि वेदर रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट। तो रिएक्शन कैन बी फीजिबल ओनली व्हेन डेल्टा जी नॉट इज लेस देन जीरो एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो कैलकुलेट कर लो, चारों ऑप्शन है और कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे FST 28 का जो पेपर 2 है ये अपना कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है।